दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम। आइए जानते हैं एक पैरेललोग्राम होता क्या है, इसके प्रॉपर्टीज क्या है। दोस्तों एक पैरेललोग्राम भी एक क्वाड्रिलेटरल ही होता है, एक वह क्वाड्रिलेटरल जिसके दोनों अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हों, अर्थात वह क्वाड्रिलेटरल जिसके दोनों अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल हों, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम कहते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं कि क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है। दोस्तों पहली प्रॉपर्टी है कि एक पैरेललोग्राम का जो अपोजिट साइड होता है वह पैरेलल होता है, मतलब ए बी पैरेलल डी सी। ये जो ए बी है वह डी सी के पैरेलल होता है और ये जो ए डी है वह बी सी के पैरेलल होता है, ए डी पैरेलल बी सी। पहली प्रॉपर्टी किसके अपोजिट साइड जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी यह है कि इसके जो अपोजिट साइड होता है वह एक दूसरे के बराबर होता है, अर्थात ए बी इजकल टू डी सी, ए बी इजकल टू डी सी और ए डी इजकल टू बी सी, और ए डी जो होता है वह BC के बराबर होता है। अगली जो प्रॉपर्टी है इसकी पैरेललोग्राम की वह है कि इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वह बराबर होता है, अर्थात एंगल A इजकल टू एंगल C और एंगल B इजकल टू एंगल D, एंगल B इजकल टू एंगल D, अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। अगली प्रॉपर्टी है कि इसके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वह सप्लीमेंट्री होते हैं, अर्थात अगर इन दोनों एडजेसेंट एंगल को जोड़ दिया जाए तो इनका जो सम होता है वह 180 डिग्री होता है, अर्थात एंगल ए प्लस एंगल बी इजकल टू 180। दोस्तों आप पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं यदि दो एंगल का सम 180 होता है तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट होते हैं, तो इन दोनों एंगल को जोड़ने पर 180 होगा, इन दोनों को भी जोड़ने पर 180 होगा, इन दोनों को भी जोड़ने पर 180 होगा, इन दोनों को भी जोड़ने पर 180 होगा, अर्थात ये जो एंगल्स होते हैं जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वह सप्लीमेंट्री होते हैं। दोस्तों आइए हम देखते हैं थोड़ा सा इसके प्रूफ करके देखते हैं कि कैसे यह जो साइड है यह एक दूसरे के बराबर है, फिर हम और आगे वीडियो में आपको और एग्जांपल के साथ कुछ क्वेश्चंस को भी बताएंगे।